अस्सलामु अलैकुम हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बेडशीट का पिलो कवर। इसकी बेडशीट भी मैंने बनाई है और इसका पिलो कवर मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स दूँगी, मैंने कौन सा कलर लिया है, कौन सा ब्रश लिया है और कौन सा बेडशीट लिया है, ये सब मैं बताऊँगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें हमारी हर डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने बॉम्बे डाइन करके ये बेडशीट ली हुई है जो मैं शॉप से लेती हूँ, तो उसको बॉम्बे डाइन करके मांगती हूँ और मुझे ये बेडशीट मिलती है। तो इस पिलो कवर में फ्रिल है और जो बिना फ्रिल की होती है वो कॉटन पर होती है, ये थोड़ी सी मिक्स है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पिच कलर का बेडशीट लिया हुआ है और उस पर मैंने लाइट ग्रीन से लीफ बनाया हुआ है और पर्पल एंड पिंक कलर का, मैंने दो पर्पल कलर लिए हैं, मैंने एक ब्रिलियंट पर्पल है और एक पर्पल है, तो मैंने दोनों कलर लिया है। तो सब मैं आपको बनाते जाऊँगी और बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख लीजिए, ये मैंने अविनाश रंगोली का ब्रश लिया हुआ है, 2 नंबर फ्लैट ब्रश है और यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट, सैप ग्रीन और लाइट ग्रीन, ये मेरा कलर है। सैप ग्रीन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, ये लाइट ग्रीन है हमारा 240 लाइट ग्रीन है, 240 लाइट ग्रीन है और सैप ग्रीन का हमारा मैं बता देती हूँ आपको 391 है। और जो हमारा वाइट है, वाइट तो आप कोई भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको लीफ बनाती हूँ, बताती हूँ किस तरह से बनाना है। तो हमने जो लीफ में कलर लगाया उसका मैंने नंबर बता दिया है आपको और वीडियो में भी मैं नंबर डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और नाम भी मैं डाल दूँगी जिस तरह से बॉटल पे लिखा है, मैं वो नाम वीडियो में डाल दूँगी ताकि आपको अच्छे से पूरा समझ आ जाए कि किस तरह से क्या नाम है क्या है। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर ब्रश लिया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। पहले हम जो हमारा लाइट ग्रीन है उसको हम पूरे लिप में फिल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक वीडियो और बनाई थी जिसमें मैंने पर्पल कलर का फ्लावर बनाया था, डार्क पर्पल, और इसमें मैं लाइट पर्पल का बनाऊँगी। लाइट पर्पल यानी कि ब्रिलियंट पर्पल है और वो जिसको हम अपनी भाषा में रानी कलर बोलते हैं, तो उसका फ्लावर बनाऊंगी आज मैं, वो आपको दिखाऊंगी। पर्पल कलर का मैंने पहले ही दिखा दिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो पहले जो हमारा लाइट ग्रीन है उसको हम लीफ में अच्छे से फिल कर लेंगे, इस तरह से अच्छे से फिल करेंगे। और जब लगे कि हमारा कलर थोड़ा सा सूखने लगा, जब आप खुद ही आपका जब आप लीफ भरेंगे उसको जब फिल करेंगे तो आपकी लीफ फटाफट से सूखने लगती है, तो हल्की हल्की गीली रहती है, उसी में तब हमें ये दूसरा शेड देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइट ग्रीन हमारा हो चुका है, अब ये हमारा डार्क ग्रीन है, सैप ग्रीन जिसको हम सैप ग्रीन बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, उसका हम इस तरह से बीच में एक आउट लाइनिंग देंगे और इस तरह से दूसरी तरफ शेड देंगे, आप देख सकते हैं इस तरह से। और आप पेंटिंग को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि किस तरह से कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी हमने सैप ग्रीन का जिस तरह से शेड दिया एक तरफ से, उसके अपोजिट हमें दूसरी तरफ से शेड देना है। एक का शेड हमें नीचे से ऊपर की तरफ देना है और दूसरी तरफ का हमें ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ देना है, जैसा कि अभी मैं दे रही हूँ। तो ये हमारा दोनों कलर का शेड हो चुका है, अब हम इसमें वाइट कलर का शेड देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा लाइट दिख रहा है, एक कलर थोड़ा अच्छा दिख रहा है क्योंकि वीडियो में लाइट कम ज़्यादा होती रहती है और जहाँ पे मैं बनाती हूँ वहाँ पे काफ़ी रोशनी रहती है, तो इस वजह से कलर पे थोड़ा कलर चेंज दिखने लगता है वीडियो में। तो बहुत अच्छा कलर आ रहा है, जैसा कि आप कभी कभी देख रहे होंगे बहुत अच्छा कलर इसमें आ रहा है, तो वैसा ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 2 कलर हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें हम वाइट कलर का शेड देंगे। तो चलिए मैं आपको वाइट कलर का दिखाती हूँ, वाइट कलर का शेड हमें किस तरह से देना है। तो हमें जिस तरह से हमने आउटलाइनिंग बनाई थी सैप ग्रीन की पहले, उसी के साइड में हमें आउटलाइनिंग बनानी है एक और वाइट कलर की, और उसमें से हमें थोड़े थोड़े शेड ऊपर की तरफ दे देने हैं इस तरह से। सैप ग्रीन का अपोजिट रहेगा वाइट कलर का शेड, ताकि हमारा एक दूसरे का शेड एक दूसरे सैप ग्रीन और वाइट कलर का शेड एक दूसरे की तरफ रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह दूसरी तरफ भी हमें उसी तरह से शेड देना है, एक दूसरे की तरफ हमारा शेड मिला हुआ रहेगा सैप ग्रीन का और वाइट का, और हमारी लीफ खूबसूरत सी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ तैयार हो चुकी है, बहुत सिंपल है इसे बनाना, आप भी आराम से और आसानी से बना सकते हैं। तो मैं वीडियो में नंबर डाल दी हूँ, सैप ग्रीन, लाइट ग्रीन, सबका नंबर मैं डाल दूँगी ताकि आपको आसानी से आराम से पता चले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं नंबर डाल दूँगी सारे कलर्स का ताकि आप आराम से कलर को ले सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी लीफ तैयार हो चुकी है और इस तरह से हमें हमारी
बाकी की लिफें भी बनानी है। एक लिप में आपको समझ ही आ गया होगा, तो टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं थोड़ा वीडियो और फास्ट कर देती हूँ और आपको दो लिप और बना के फटाफट से दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स स्लो हैं, मतलब पेंटिंग नहीं करते हैं, बहुत स्लो करते हैं, तो वो एक एक लिप करके बनाएं, और उनको एक एक लिप करके बनाने में आसानी होगी। अगर वो एक साथ दो लिप बनाना चाहेंगे तो कलर सूख जाएगा आपका, शेड भी ख़राब हो सकता है, तो शेड आपके बराबर नहीं होंगे। तो आप एक लीफ में पहले कलर भर लें, उसको शेड दे लें, फिर दूसरी लीफ भरें बनाएं, ताकि आपका आराम से जो आपकी पेंटिंग हो आराम से बने। तो मैंने दोनों एक साथ बना ली है, क्योंकि मैं जल्दी से भर लेती हूँ और जल्दी से कर लेती हूँ, तो मेरा कलर इतना फास्ट नहीं सूखता है, क्योंकि मुझे पता है कि कितनी देर में कलर सूखेगा। मुझे इतना मतलब वो रहता है कि कितने टाइम में हमारा कलर सूख जाएगा, तो उसके अंदर ही हम कलर को अपनी लीफ को बना लेते हैं, अपनी जो हमारी पेंटिंग रहती है उसको बना लेते हैं। तो बस इसी तरह से हमें ये भी लीफ करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले लाइट ग्रीन लगाया और अभी ये मैं सैप ग्रीन लगा रही हूँ, और यहाँ से फिर दूसरे में वाइट कलर का शेड दे रही हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बस इसी तरह से हमारी सारी लीफ बनेगी फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी और सिंपल है फ्रेंड्स इसे बनाना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लीफ देख चुके हैं, तो अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताऊँगी। मैंने सारी लीफ नहीं बनाई है, सिर्फ तीन लीफ बना के बताया, ताकि आपको आसानी से समझ आ सके और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, हम जल्दी जल्दी अपना फ्लावर भी बना के आपको दिखा सकें। तो उसी तरह से हमें इस लिप में भी शेड देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिप भी हमारी तैयार हो चुकी। कितना सिंपल है लिप को बनाना, बहुत ही इजी है, आप भी बना सकते हैं, एकदम आसान लिप है, आराम से बना सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ कि किस तरह से हमें फ्लावर बनाना है। तो हमने इस पिलो कवर में दो फ्लावर बनाया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं दो फ्लावर है। तो मैं आपको ब्रिलियंट पर्पल जो हमारा है उसको मैं बना के बताऊँगी, जिसका नंबर है 023। ये हमारा पर्पल कलर आप देख सकते हैं, इसको हम अपनी भाषा में रानी कलर बोलते हैं, हमारे यहाँ इसको रानी कलर बोलते हैं, जो आसानी से आप शॉप पे बोलोगे तो आराम से मिल जाता है। तो इसका नाम है ब्रिलियंट पर्पल, जिसका नंबर है 023। और ये हमारा मरून कलर है, जिसमें हम इसमें शेड बनाएंगे पर्पल कलर में, और वाइट कलर का भी शेड देंगे। तो चलिए, हम आपको बना के दिखाते हैं फ्लावर, और आपको बताते हैं कि किस तरह से हमारा शेड बनेगा। तो हमने हर फ्लावर में वाइट कलर का ऊपर शेड दिया हुआ है, और इस फ्लावर में हमने वाइट कलर का जो हमारा शेड है बहुत लाइटली हम देंगे और नीचे की साइड से देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो लाइट पर्पल है, ब्रिलियंट पर्पल जो हमारा है, उसको हम पहले फील करेंगे, जो हमारी पंखुड़ी रहेगी उसमें हम फील कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा फील हो गया, और उसके बाद हम ये वाइट कलर लेंगे, बहुत हल्का से लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेना वाइट कलर, बस थोड़ा सा लेना, बस हमारा लाइट करना है नीचे का, जो हमारे नीचे की पंखुड़ी की नीचे की साइड है उसको हम हल्का सा लाइट करेंगे वाइट कलर लगा के, जिससे थोड़ी सी लाइटिंग आ जाए। और उसके बाद इस तरह से हम कॉर्नर पे मरून कलर लेंगे, और इस तरह से ऊपर की तरफ लगाएंगे, और आप अपने हाथ में टिशू या अपने पास रखें, ताकि आपके ब्रश में अगर ज़्यादा कलर हो जाता है तो अपने टिशू में साफ़ कर लें। और उसके बाद इस पर जो हमारा शेड रहेगा, जो हमने पर्पल कलर लगाया, उसमें मरून कलर ऊपर की तरफ लगाएंगे और नीचे तरफ फैला देंगे। ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी पंखुड़ी हमारी तैयार हो गई है। बस इसी तरह से हमें बनाना है। तो मैं एक पंखुड़ी आपको और बना के बताती हूँ, जैसे कि वीडियो को मैंने फास्ट नहीं किया है, आराम से बनाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और एक पंखुड़ी मैं आराम से बताऊंगी, बाकी की पंखुड़ियाँ में मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले इस तरह से जो हमारा लाइट पर्पल है, इस तरह से हम भरेंगे, इस तरह से हम इसको फील कर लेंगे, और पूरे ऊपर तक हमें फील करना है, और थोड़ा सा खाली रखना है, जिसमें हम मरून कलर का शेड भरेंगे। आप आराम पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर फ्रेंड, ताकि आपको क्लियर और अच्छे से समझ आ सके। इसमें मैंने 2 ही नंबर का ब्रश लिया है, कोई और ब्रश नहीं लिया हुआ है, 2 ही नंबर ब्रश से मैं ये सारी पेंटिंग बनाऊंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत आराम से मैं ये बना रही हूँ, और नीचे बहुत ही लाइटली मैंने वाइट लिया है, और इस तरह से पर्पल कलर में वाइट कलर का शेड दिया है, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा हमारा नीचे का पंखुड़ी। और इस तरह से हम फिर ऊपर की तरफ मरून कलर का शेड लेंगे, और इस तरह से आउटलाइनिंग करते हुए बारीकी से बना देंगे।
और अगर आपको लगे कि आपका ब्रश सूखने लगा है, आपका कलर नहीं मिक्स हो रहा है, तो आप ब्रश को पानी में डिप करके थोड़ा सा उसको हल्का सा घुमा लें, फिर उसके बाद टिश्यू में या फिर कपड़े में जो भी आपके पास है उसमें ब्रश को साफ़ कर लें, फिर से रफ़ करें, आपका कलर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में आपको बताया है और इस तरह से बताया है कि अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और पूरा देखेंगे तो आपको क्लियर समझ आएगा और पूरा समझ आएगा, आपको पेंटिंग भी अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने मरून कलर का इस तरह से लिया, कॉर्नर पे ऊपर की तरफ आउटलाइनिंग करते हुए इस तरह से हम शेड को मिक्स कर देंगे। और इस तरह से हम अपने जब हमारा ब्रश सूखने लगे तो हम पानी में डिप करके उसके बाद टिश्यू हो या आपके पास कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो जिसमें आप ब्रश को बार बार साफ़ करते हो उस पर साफ़ कर लें। उसके बाद कलर को पर्पल कलर पर रफ़ करें, मरून कलर जो हमारा है पर्पल कलर पर रफ़ करेंगे तो आपका शेड बहुत ही खूबसूरत सा बन जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी वीडियो में कि मैं किस तरह से शेड बनाई हूँ और कितना खूबसूरत पंखुड़ी कितनी खूबसूरत दिख रही है, बस इसी तरह से अगर आप भी बनाएंगे तो आपकी भी जो आपका भी फ्लावर है, पंखुड़ियाँ हैं, इसी तरह से खूबसूरत दिखेंगी। तो यहाँ पे हमारी एक पंखुड़ी तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को फास्ट कर रही हूँ और आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर समझ आए। अगर आपको बीच का देखना है तो आप उसको भी पूरा देखें ताकि आपका बीच का कैसे करना है, फ्लावर का, वो सब आपको समझ आ जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बनाएंगे अपनी जो पेंटिंग है, इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग हमारी आएगी और बहुत ही इसी तरीके से इसे बनाना है। फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है ताकि आपको आसानी से आ जाए। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने इतने डिटेल्स में आपको समझाया है। अगर आपको जो ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दूँगी, आप उस पर भी पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल से, मेरे यूट्यूब से कोई भी डिज़ाइन, मेरी कोई भी डिज़ाइन अगर आपको पसंद आती है, अगर आप उसे मंगवाना चाहते हैं तो घर बैठे मंगवा सकते हैं, ख़रीद सकते हैं आप मेरे यहाँ से डिज़ाइन। मैं डिज़ाइन खुद बनाती हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं वो पूछते हैं डिज़ाइन मैं कहाँ से लेती हूँ। मैं डिज़ाइन कहीं से नहीं लेती हूँ, मैं डिज़ाइन खुद बनाती हूँ और मैं अपनी डिज़ाइन खुद पेंट करती हूँ। मैं किसी और की डिज़ाइन नहीं लेती, कहीं और से नहीं ख़रीदती कोई डिज़ाइन, सब मेरी डिज़ाइन जो मेरे चैनल पर है सब मेरी डिज़ाइन है। मैं अपनी डिज़ाइन बनाती हूँ और उसे पेंट करती हूँ, आप तक पहुँचाती हूँ ताकि आप देख सकें। अगर आपको चाहिए तो आप मंगा सकें, अगर आपको चाहिए तो आप कोई भी डिज़ाइन मंगवा सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपने मन चाहे डिज़ाइन मंगवा सकते हैं। आपको डिज़ाइन का ऑर्डर देना पड़ेगा जो आपको डिज़ाइन चाहिए और आपको पेमेंट करना पड़ेगा और आपको आपकी डिज़ाइन 6 से 7 दिन में आपको आपकी डिज़ाइन मिल जाएगी। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। फ्रेंड्स, तो आपको इंशाल्लाह फ्लावर समझ आ गया होगा कि किस तरह से बनाना है। अगर नहीं समझ आया तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्योंकि मैंने वीडियो में पूरा फ्लावर बना के दिखाया, ताकि अगर जिन फ्रेंड को नहीं समझ आता है, बहुत सारी वीडियो में हमने थोड़ा थोड़ा स्किप करके वीडियो बनाई है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको नहीं समझ आता है तो वो पूरी वीडियो देख के सीख सकते हैं और जिनको समझ आता है तो वीडियो थोड़ा थोड़ा स्किप करके भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। फिर आऊँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।